गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4 बेसिक मेथड। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो थी सब्ट्रैक्शन की वो सीखी थी, जिसमें हमने ए का बी के, ठीक है, एक यूनियन क्या सीखा था, एक यूनियन पूर्वेंट और कॉम्प्लीमेंटेड डिग्री से कैसे माइनस करते हैं, एक यूनियन से हमने सीखा था। अब है एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, 4.1 इसमें सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय ए का बी के पूर्वेंट एंड कॉम्प्लीमेंटेड डिग्री। अब इसमें आपको ए का बी के पूर्वेंट से माइनस करना होता है, एक यूनियन ये एकाधिकेन पूर्वेंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री से माइनस करना। तो माइनस करना है तो पहले मैं आपको ऐसे इसको भी सिंपल माइनस जो है वो बता देता हूँ कैसे करते हैं। हमेशा सबसे पहले हम ऐसे ही माइनस कर लेते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले डिजिट छोटी है तो हम आगे वाले से कैरी देके फिर उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें से कैरी ले रहे हैं तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ हो जाएंगे 10 में से वापस इसने लिया तो यहाँ बच गया 9 और यहाँ पर 10, ठीक है। अब हम इसमें माइनस करते हैं 10 माइनस 8 और 9 माइनस 3 6 और यहाँ पर आ गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0। ये हम हमेशा करते आए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एकाधिक पूर्ण और कॉम्प्लीमेंट डिग्री से करना है। तो वेदिक में जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको भी कॉलम लिखना है C1 C2 और C3, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना है इसमें कॉलम नंबर, तो ये हमने लिख दिया है इसमें सबसे पहले। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि ऊपर वाली डिजिट छोटी है या बड़ी, ठीक है। ये जब डिजिट है ऊपर वाली एक एक डिजिट करते हैं, सबसे पहले हम ये लास्ट वाली यूनिट डिजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 और 2 लिख रखे। तो आपको देखना है ये ऊपर वाली डिजिट छोटी है बड़ी, अगर छोटी है, ठीक है, अगर ये डिजिट छोटी है तो हमको क्या करना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता लगानी है, जो नीचे है वो लोअर डिजिट जो है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 2 की हमको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता लगानी है। तो 2 की कितनी होती है 8, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 2 क्या करना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता लगानी है और ऊपर वाले में प्लस करनी है। तो इसमें हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 8 इक्वल टू 8, ठीक है। वही है प्रोसेस जैसा पहले था वही है यहाँ तक। तो ऐसा का ऐसा प्रोसेस हमने जो फर्स्ट 4.1 थी उसमें भी किया था। क्या किया था, अगर ये वाली डिजिट छोटी है तो हमने यहाँ पर क्या किया था, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता लगाई थी और इसमें प्लस कर ली थी हमने। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो है 2 की वो 8 होती है और 8 को हमने 0 में प्लस किया तो आ रहा 8। अब हमको क्या करना, उसमें तो हमने यहाँ पर साइन लगाया था, हमको अब जो नीचे वाली डिजिट है उसके ऊपर एक साइन लगाना है एकाधिकेन का। यहाँ पर हमने मेथड कौन सी एकाधिकेन है, तो यहाँ पर नीचे वाली डिजिट के ऊपर साइन लगेगा एकाधिकेन का। उसमें पहले यहाँ पर लग रहा था इसके नीचे एक यूनियन का, इसमें इसके पहले वाले डिजिट पर लगेगा एकाधिकेन का, ठीक है। तो और इन दोनों का जो प्लस का आंसर है वो आपको लिखना है 8, ठीक है। इसको और इसको प्लस किया तो आ रहा है 8। अब यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर है 0, ये भी छोटा है। अब आपको 4 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता लगाना है, ठीक है। तो 4 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना होता है 6, और वो इसमें आपको प्लस करना है 0 में। 0 प्लस 6 कितना होता है 6, और वापस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है आगे वाला उसके ऊपर साइन लगाना है एकाधिकेन का। तो ये 1 था, पहले 2 हो गया, ठीक है। तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0, ये दोनों इक्वल है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता नहीं लगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कब पता लगाएंगे, जब ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा होता है। और यहाँ एकाधिकेन का साइन लगाने से ये नंबर 1 ज़्यादा हो जाएगा, 1 अधिक, ठीक है, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो यही तरीके से हम 2 माइनस 2 और माइनस मैंने किए हुए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना ऊपर वाला नंबर छोटा है या बड़ा, अगर बड़ा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, 5 माइनस 1 4 5 माइनस 1 किया तो 4 आ रहा है, डायरेक्ट माइनस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर है 0, अब ये छोटा नंबर आ गया है तो आपको इस 8 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता लगानी है, ठीक है। तो 8 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होती है 2, तो 0 और 2 को प्लस किया तो आ रहा है 2, और 2 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हमने एकाधिकेन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर पहले 2 था, अब हो गया 3, और यहाँ ऊपर जो नंबर वो भी 3, दोनों इक्वल है, तो 3 माइनस 3 0। फिर 8 माइनस 5, अब ऊपर 8 बड़ा है, 8 माइनस 5 3, तो यहाँ पर केवल 1 ही साइन लग रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के माइनस करना, अगर बड़ा नंबर है तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पता नहीं लगा, अगर ऊपर वाली डिजिट जिसको माइन्यूट बोलते हैं उसमें कोई छोटा नंबर है तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री
चीज पता लगानी होगी नीचे वाले नंबर की। ठीक है, एक और यहां पर एग्जांपल, अब देखो ये थोड़ा अलग, यहां पर है 0 और 4, यानी कि क्या है छोटा नंबर है। सबसे पहले हमको यहां ये कॉलम लिखना है, उसके बाद हमको देखना है यहां नंबर जो है वो छोटा है बड़ा। अगर छोटा नंबर है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट डिजिट पता लगानी है 4 की, तो 4 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 0 + 6 करना है, क्या करना है 0 + 6। ठीक है, तो कितना होता है 6 होता है, हमको लिखना है यहां पर 6, 0 + 6 6, और यहां पर एक साइन लगा देना है एक का डी के एन का। अब यहां पर पहले 0 था, अब क्या है 1। ठीक है, पहले 0 था लेकिन यहां पर एक साइन लगा है इसका मतलब 1 हो गया, और यहां है 0, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो यहां पर क्या नंबर है 1 है, तो 1 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट कितनी होती है, ठीक है 1 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट तो 1 9 होती है, कितनी होती है 9। तो आपको क्या करना है इसमें 9 प्लस करना है, तो 0 प्लस 9 कितना होता है 9, और यहां पर अब साइन लगाना है। ठीक है, तो यहां पर अब पहले 9 था हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया, और यहां पर जो नंबर है वो छोटा है 7, तो 10 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट कितनी होती है 0 होती है, 10 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट कितनी होती है 0, तो 0 प्लस 7 7 कितना है, और 9 माइनस 4 करोगे तो कितना होगा 7, नहीं यहां बढ़ जाएगा ये नंबर 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से हमको माइनस, जब हम कॉम्प्लीमेंट डिजिट पता लगाते हैं तो आगे वाले नंबर पर हमको एक का डी के एन का साइन लगाना। ठीक है, तो यहां पर एक बार और समझ दो, यहां पर 10 है ऊपर 7 था, तो 10 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट होती है 0। ठीक है, तो 10 की 0 हुई तो 7 प्लस 0 7 लिखना है आपको, यहां पर डॉट लगाना है, यहां क्या 5 9 माइनस 5 4, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा अलग था इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि यहां पर 9 था, तो अगर आप 10 हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है, 10 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है 10 आ गया तो उसकी कॉम्प्लीमेंट डिजिट पता लगाओ, और वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट डिजिट होती है 0, जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, तो उसमें 7 प्लस करोगे तो आया अंतर आएगा 7। तो ये हमने सीखे एक फूलमेंट से कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।